तो गाइस अभी हम लोग ले में है, ले सिटी में। तो समय हो रहा है 8:30 बज चुका है और हम लोग यहाँ से निकलना है टूवर्ड्स खरदुंगला के लिए। तो पेंगोंग लेक का प्लान है, मगर अभी जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे रोक दिया जाएगा, ये हम लोग को पता नहीं है। सबसे पहले आपको होटल का व्यूज दिखाते हैं, बाहर का व्यूज कैसा है, दिख रहा है होटल का बाहर का व्यूज है ये व्यूज। तो टूवर्ड्स हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए, ऑलमोस्ट हम लोग का सब चीज पैकिंग हो चुका है, देख सकते हैं पैकिंग हो चुका है, मेरा सामान पैकिंग हो चुका है। टेंट वगैरह सब चीज़ हमें टेल बैग में डाल दिया, और जितना भी यूज़ कपड़ा है सब इसमें डाल दिए, जैकेट और इस कपड़ा को मैं पहना, ठंड बहुत कल ज़्यादा बहुत ठंड लग रहा था थकंगला में, तो इसलिए हम इसको पहन लिए हैं। तो बस ऑलमोस्ट सब चीज़ रेडी है हम लोग यहाँ से निकलने के लिए। दवंजन भाई का भी हो गया, रितोष भाई का भी सब चीज़ हो गया रेडी, बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट बाइक पे, और लद्दाख सीरीज के एक और वीडियो में तुम लोगों का स्वागत करते हैं। आज डे 8 है मेरा वीडियो का 7 डे मेरा डे 8 हो रहा है, मेरा वीडियो का 7 डे हो रहा है। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। हम लोग खरदुंगला मैप सेट कर चुके हैं और होटल से चेकआउट करके सामान वहाँ सब पैक हो गया। सबसे बड़ा मेन टास्क होता है सामान पैक करना, तो ऑलमोस्ट बाइक का सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। तो हम लोग खरदुंगला की ओर जा रहे हैं, हम देखते हैं कि उधर जाके पेंगोंग का क्या रील्स है क्या ये है, तो उधर जाके ही पता चलेगा। में अभी ड्राइव कर रहे हैं, अब जैसा देख सकते हैं तो यहाँ लोमा एक स्तूपा, यहाँ शांति स्तूपा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे इधर घूमने के लिए, जो हिल पे है, नेक्स्ट टाइम नहीं और जब उधर से रिटर्निंग होंगे ना खरदुंगला थांग विलेज होते हुए, क्योंकि आज का प्लान हम लोग खरदुंगला तक जाने का है, पेंगोंग तो जाने का है। तो पेंगोंग बोल रहा है पेंगोंग जाने का एंट्री टू व्हीलर को नहीं दिया जा रहा है, तो आई थिंक तो कोई पता नहीं है अभी, देखते हैं वहाँ जाने के बाद ही मालूम चलेगा क्या एंट्री देने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम लोग तो ले से तो निकल चुके हैं होटल चेकआउट करके, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो खरदुंगला भी है गाइस माइटी 18,000 फीट पे है समथिंग में, तो चलिए चलते हैं लेके खरदुंगला की ओर। और यहाँ से खरदुंगला जो दिखा रहा है ना, और खरदुंगला यहाँ से 1 घंटा 58 मिनट, 2 घंटा का समय लगेगा खरदुंगला जाने में, तो हम लोग 2 घंटा आसपास लग ही जाएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी भी प्यास अभी लग रहा है, क्योंकि पानी तो हमेशा खाना है बोतल में, कि पानी है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे बीच बीच में। तो गाइस आज पीछे का जो बैग है ना वो बांध दिए हैं हम, पंजीकोट से नहीं बांधे हैं, ठीक है। तो पंजीकोट से बांधना जरूरी था, तो फिर भी देखते हैं खरदुंगला में रुकेंगे तो बांध लेंगे, या कहीं संगम रिघा पर रिवर पास फोटो शूट होगा तो हाँ रुक जाएंगे संगम रिवर देखने के लिए। और क्या, जहाँ इंडस रिवर और जंस्कार रिवर का दोनों का मिलन हुआ है, और दोनों का रूप बड़ी सुंदर है भाई, बड़ी सुंदर, तो वहाँ जाकर देख लेंगे और क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खरदुंगला नुब्रा इधर से जाना है, खरदुंगला नुब्रा इधर से देख रहे हो भाई इतना, एक पेट्रोल पम्प यहाँ बना हुआ है, तो लास्ट पेट्रोल पम्प आपको नुब्रा वैली में मिल जाएगा, नुब्रा वैली में पेट्रोल पम्प मिलेगा। तो अभी हम लोग पेट्रोल लेकर कैरी नहीं कर रहे हैं, तो आप इधर की हिल देख सकते हैं, अभी हिमालयन हिल रेंज देख रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रहा है। जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाएंगे ना, तो उस हिसाब आपको ठंड का महसूस ज़्यादा होने लगेगा, इसलिए आज हम लोग ने दो दो जैकेट अंदर से डाल लिया, एक वार्मर डाल लिया, बहुत चीज़ डाल लिया हम लोग ने। वेलकम टू 1 हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस वैसे सांस फूलने का सांस फूलते रहेगा। तो अभी देख सकते हैं एक बाइकर ऊपर जा रहा है, देख रहा है आपको, तो चलिए हम लोग भी जा ही रहे हैं, देख रहे अभी भी मतलब हिमालय बर्फ नहीं होगा 100% श्योर है, वो साइड साइड बर्फ मिलेगा ना, बर्फ उतना बर्फ नहीं होगा। नॉर्थ पुल्लू पार हो गए, साउथ पुल्लू, तो गाइस यहाँ साउथ पुल्लू 11 किलोमीटर, नॉर्थ पुल्लू लगता है आई थिंक पार कर गए या आगे है ये पता नहीं मुझे, आगे का बोर्ड मिलता तो बताऊंगा। साउथ पुल्लू यहाँ से 11 किलोमीटर है कुल्लू।
बताने का सब यहाँ क्यों रुका गया है। तो यहाँ पर रोक दिया गया है, गलत आगे का स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, ऐसा रोका गया है। जो कितना देर रुकता है तब हम आगे बढ़ते हैं। आदमी यहाँ काम करते रहे? चलिए क्या बोलते हैं, कितना दिन लगभग देखते हैं। पेंगोंग खुला हुआ है दुकान? हाँ खुला होगा। नहीं पेंगोंग लेग तो हाँ रोड खुला है। खुला ना, एक चीज बंद होगा रिटर्न आना पड़े। हाँ सर बोलते हैं आप लोग वहाँ से ले से आ रहे हैं? वहीं से ले से, अभी कल ले में स्टे किए थे। ठीक है, आज हम लोग जमशेदपुर से डायरेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, आठवां दिन है। खाने का कुछ नहीं है सर? नहीं खाने कुछ कैरी नहीं किए हैं। 10-20 रुपया है तो दोनों कुछ खाए। अरे चेंज ही नहीं पैसा हम लोग पास, चेंज पैसा ही नहीं। नहीं है चेंज? नहीं नहीं चेंज है ही नहीं, नहीं तो हम लोग देने में क्या, हम लोग दे के ही खेलते सबको। फोर भी चेंज नहीं, सब कुछ चेंज नहीं है। इसलिए पर दुकान मोगे कहाँ, दुकान आगे है देखते हैं। चले ठीक है, हम लोग आते हैं। तो भाई ये लोग पानी मांग रहे थे, जो बीआरओ में काम करते हैं, जो मजदूर हैं यहाँ का रोड बनाने का काम करते हैं, तो कहना खाना कुछ बोल रहे थे, खाना पीना नहीं है। तो भाई हम लोग खाना लेके नहीं कैरी कर रहे हैं, कच्चा माल था तो कच्चा माल देते तो लोग बनाते कहाँ। ठीक है, इसलिए खाने का हम लोग नहीं, हमारे पास कुछ पैसा मांग रहे थे, इतना पैसा चेंज था ही नहीं मेरे पास, जैसे 500 का नोट है। ये जितना भी चेंज पैसा था कल हम लोग हाँ इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए तो इसलिए हम लोग ने दे नहीं पाए। तो भाई सॉरी, जब वीडियो देख रहे तो सॉरी, हमारे पास चेंज पैसा नहीं था। चलो भाई तो अब आगे हम लोग साउथ कुल्लू, साउथ कुल्लू जो अब जगह वो जो गाँव देख रहे हैं ना, साउथ कुल्लू में आता है। ठीक है, साउथ कुल्लू आ गए। लोग यहाँ काम कर रहा, बोल रहा कि सब चीज़ खुला हुआ है, रोड वगैरह खुला हुआ है। तो हम लोग भाई चलो, तो खुला हुआ तो पेंगोंग लेक जाएंगे और क्या, नहीं खुला रहता तो बात अलग है, खुला हुआ है तो फिर क्यों नहीं। भाई लोग, भाई लोग रांची से था इसलिए। तो भाई यहाँ है चेक पोस्ट पॉइंट साउथ कुल्लू। गाड़ी नंबर दिखाना होगा। कुल्लू चेक पोस्ट पे हम लोग रुके थे। हाँ, यहाँ पर गाड़ी नंबर, फ़ोन नंबर और एंट्री करना बोलता होता है। तो एंट्री हो चुका हम लोग का यहाँ से। तब अब एंट्री करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। एंट्री लिखा रहता है कि कितना बाइक कैसे जा रहे हो, मतलब आगे कुछ होगा तो दिक्कत, तो हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे साथी का कुछ भी। तो हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं टूवर्ड्स खरदुंगला के लिए। निकलते हैं टूवर्ड्स खरदुंगला के लिए। मैप नहीं लगाया, मैप का फ़ोन को पॉकेट में रख लिए हैं। तो थोड़ा ठंड लग रहा है गाइस, हल्का हल्का हवा जो चल रहा है मीठा मीठा, तो ठंड लग रहा है। तो साउथ कुल्लू भी हम लोग पार कर गए हैं। ये है साउथ कुल्लू, खरदुंगला यहाँ से है। खरदुंगला 14 किलोमीटर, साउथ कुल्लू ख़त्म। जो है 17,982 फीट हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ से फोटो शोटो लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ बहुत सा
लोकेशन, क्योंकि जैसे हम उतरे तो उसे थोड़ा सा फंसने लगे और थोड़ा थकावट जैसा फील होने लगा। तो पूरा ये व्यूज़ है खरदुंगला पास का, देख सकते हैं यहाँ आर्मी कैंप है। तो अब यहीं पर कॉफ़ी वगैरह चाय पिया पिया आ जाएगा तब आगे निकला जाएगा। तो यहाँ से पहले फ़ोटो शोटो हो जाए तब आगे निकलेंगे। तो गाइस अभी हम खरदुंगला पास, हाँ खरदुंगला पास में है, जो हम लोग कॉफ़ी और बिस्किट खाएंगे। तो कॉफ़ी मेरा नीचे रखा हुआ है, देखिए कॉफ़ी और एक बिस्किट, तो खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि सांस पूरा ज़्यादा बोर बात नहीं कर सकते। इस हम लोग का प्लान ये है कि खरदुंगला करके हम लोग नीचे श्रीनगर तरफ जाते हैं, हाँ जहाँ तक पहुँच पाए कारगिल या श्रीनगर। तो क्योंकि बॉडी साथ नहीं, सांस फूल रहा पूरी तरह, हर एकदम अजीब टाइप का फील हो रहा है। तो जो यहाँ से है तो खरदुंगला से हम निकलते हैं, तो हम लोग तीनों रेडी है ऑलमोस्ट। तो प्रीतोष भाई, तो क्या लग रहा है आपको आज का एक्सपीरियंस, जाना है नीचे जाना है कि आगे जाना है? मैं तो बोल रहा हूँ चलो पैक। ये अभी दल बदलू आदमी बन गए, ठीक है, पहले बोले कि नहीं यहाँ से रिटर्न होगा, क्योंकि मैं तो रिटर्न जा रहा हूँ, इस बॉडी साथ नहीं दे रहा। सबसे पहले बॉडी साथ देना होना चाहिए, क्योंकि पहले बॉडी साथ दे ही नहीं रहा है। तो लास्ट व्यूज आपको यहाँ का दिखा देता हूँ, लास्ट व्यूज यहाँ का यह ऐसा है। आप लोग इधर से रिटर्न मार रहे हैं, आप लोग रिटर्न जा रहे हैं? चलिए आते हैं हम लोग पीछे पीछे, वहाँ आते पीछे हम लोग भी। तो यूं ही अभी जो दो बाइक का, तो लोग भी नीचे जा रहे हैं, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। हो सकता है हम लोग भी श्रीनगर कारगिल तक पहुंच सके, क्योंकि टूरिस्ट एकदम नहीं है पंगोंग में, लोग तो जाएंगे तो रिटर्न में फंस सकते हैं। तो क्योंकि इस विंटर घुस गया है, क्योंकि हम लोग विंटर में है और प्लस तीन जन और आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगे, और इसलिए तो वीडियो को मैं यहाँ भी यहाँ वेट नहीं करूँगा, जहाँ स्टे करूँगा वही एंड करूँगा इस वीडियो को। तो नीचे डायरेक्ट उतरूँगा तब फिर वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो अभी वीडियो स्टार्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको कर दूँगा कैसा यहाँ पर दिखा देता हूँ खरदुंगला पास। तो देवंजन भाई क्या सोचे हैं, मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए आप, क्या लग रहा है आज? शरीर साथ देते नहीं रहा पहली बात, मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए आप। हम लोग छः दिन हो चुका है, आठवां दिन है आठवां दिन हम लोग तो हाईवे में हटा दे रहे हैं, बट टोटल 5 या 6 दिन हो चुका है हम लोग हाई पासेस में है। तो टोटल हम लोग चार पासेस कवर किए, पहला पास बारालचला पास था, उसके बाद लाचुंगला पास, फिर टागलगला पास और अभी खरदुंगला पास। और ये जो चारों पासेस है ना, ये 16,000 फीट के ऊपर है। तो आप समझ सकते हो बॉडी का क्या हाल हो रहा है, कुछ दिन से ऑफ रोडिंग करते करते हाई अल्टीट्यूड में रहते रहते सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी और हिम्मत नहीं है कि हम लोग पैंगोंग जाए, थांग विलेज जाए। मन तो बहुत था कि पैंगोंग में जाएंगे, थांग विलेज एक्सप्लोर करेंगे, बट नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम आएंगे लद्दाख तो ये जो सर्किट अधूरा रह गया है इसको पूरा करेंगे, और उमलिंगला भी करेंगे उस टाइम। तो उस टाइम ये जो कुछ सर्किट बच गया है नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग। और एक चीज़, मनाली से कभी नहीं आएंगे। हाँ, मेरा भी एक सजेशन है आप लोगों के लिए, मनाली से कभी मत आओ, श्रीनगर होके आओ। मैं आऊँगा, ठीक है, मैं आऊँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं बाइक पर, डायरेक्ट ले पे जाके ही हम आपसे बात करते हैं, डायरेक्ट ले सिटी ही जाएंगे, वहाँ से आपका खाना पीना खाएंगे फिर आगे निकलेंगे। तो सीधा हम लोग चलते हैं ले और वहीं कैमरा ऑन करेंगे। खरदुंगला से नीचे जा रहा हूँ श्रीनगर की ओर, क्योंकि आगे जाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि पैंगोंग लेक से तो खुला तो है मगर जो जगह देख रहे सब चीज़ पूरा तरह बंद हो जाएगा, पूरी तरह बंद हो जाएगा, सब पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो हम लोग ना से हम लोग समझदारी लेकर आगे निकल रहे हैं, हम लोग डल लेक घूमेंगे, श्रीनगर घूमेंगे, ये घूमेंगे। तो बेस्ट समझदारी यही होगा कि यहाँ से निकलने से बेस्ट होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग को एंड नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मैं श्रीनगर पहुँच कर ही या कारगिल पहुँचूँगा तभी ब्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। तो कारगिल मेमोरियल ही पता नहीं मैं घूम पाऊँगा कि नहीं घूम पाऊँगा, मेन तो टास्क यही है। तो चलिए मेरे ब्लॉग में आप बने रहें, तो डायरेक्ट मिलते हैं ले सिटी में। भाग गया था आगे, तुम लोग भाग था पीछे था, सबसे पीछे हम लोग तो पीछे था, कब घुस गया पता ही नहीं कारगिल। तो ये सबसे पहले हम लोग वहाँ खाना खाना, आप देखते हैं खाना कदर मिलता है। आगे मोड़ा ढाबा दिख रहा है, एक आगे मोड़ा ढाबा दिख रहा है,
क्या गिर गया था ऊपर? आप भी गिरे? हाँ। वो भी गिरे दे वो टाइट करना। तो गाइस ये होटल में हम लोग रुक के खाना पीना खाए, तो खाना खाए हैं रोटी सब्जी तड़का चटनी और प्याज खाए, जो टोटल बिल बना। फिर यहाँ खाना तो महंगा है, तो यहाँ से खाना खा लिए हैं। अब यहाँ से हम टूवर्ड कारगिल के लिए निकलते हैं, क्योंकि आज का जो प्लान है वो कारगिल तो है, तो कारगिल के लिए निकलते हैं सीधा सीधी। रिवर, हाँ इंडस रिवर और जंस्कार रिवर का संगम मिलेगा एक जगह, तो संगम रिवर बोलते हैं, पहले मैग्नेटिक हिल आएगा तो देख सकते हैं। ये है ब्रिज जो है, जो पानी है इंडस रिवर, देख रहे शांत पानी एकदम, मतलब सो अंदर ब्लिस्ट ब्लिस्ट है, मस्त लग रहा है व्यूज़, एक ना फर्स्ट क्लास व्यूज़ लगा। थोड़ा सा फोटोज ले लेते हैं तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम निकला 80 किलोमीटर और कुल बेकरा है 90 किलोमीटर, कारगिल 136 किलोमीटर, द्रास 192 किलोमीटर, पनामिक 202 किलोमीटर, जोजिला टनल जो होता है ना 212 किलोमीटर, श्रीनगर 340 किलोमीटर, जम्मू 630 किलोमीटर है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो यहाँ से, मगर अंधेरा हो चुका है। चलिए कोई ना, अंधेरा हो चुका है, हमको तो दिख रहा है, तो मैं आपको बता दिया। बताइए। तो गाइज यहाँ लद्दाख पुलिस आपको यहाँ भी, अभी तक लद्दाख में ही हम लोग हैं, कतलासी जगह है ना, यहाँ पर ही आपको बाइक एंट्री कराना पड़ता है, तो अब आगे जा सकते हैं टुवर्ड्स कारगिल की ओर। तो मैं बाइक एंट्री करवा दिया है, एंट्री करवा के अब चले टुवर्ड्स कारगिल की ओर। तो चलिए निकलते आगे। हाँ तो गाइस हम लोग खरदुंगला में अपना हालत देखा अपने वीडियो में, क्या हालत था पूरा, मतलब वहाँ मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे हम लोग, इतना ही ठंड था, प्लस सांस बहुत फूल रहा था, कुछ भी कर रहे थे सांस इतना फूल रहा था, हालत ख़राब बहुत ज़्यादा, तो तबीयत खराब होने लगा हम लोग का। तो खरदुंगला से डायरेक्ट निकल के ले आए, ले से डायरेक्ट अभी कारगिल के आसपास ही हम लोग हैं, लगभग 68 किलोमीटर के आसपास है हम लोग कारगिल। तो सुबह हम लोग कारगिल जाएंगे, कारगिल वॉर मेमोरियल श्री हम लोग श्रीनगर पहुंचेंगे, कल हम श्रीनगर ही पहुंच जाएंगे। तो ले का वीडियो यहीं तक रहेगा लद्दाख का, उसके बाद हम श्रीनगर घूमेंगे थोड़ा मोड़ा, श्रीनगर घूमने के बाद तब निकल जाएंगे जमशेदपुर के लिए। तो आप लोगों को लद्दाख सीरीज कैसा लगा समझ गए, हम लोग मतलब एक पार्ट कर चुके हैं, 30-40% हम लोग लद्दाख कर चुके हैं। हाँ जितना पासेस है सिर्फ एक ही पासेस बचा हुआ है, हुमलिंगला पास, वो भी कभी पूरा करेंगे। तो पेंगोंग लेक जा नहीं पाए हम लोग, क्योंकि जब हम लोग पेंगोंग लेक चल जाते तो दिक्कत क्या था, उधर से रिटर्निंग में प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि सब जितना भी कैंपिंग था सब उड़ गया था, सब चला गया था, जितना आर्मी कैंपिंग भी था सब वहां से चला गया था, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लिए उधर जाने का, ये अच्छा मौका था, हम लोग निकल गए वहां से। तो बस अभी हम लोग कारगिल से पहले आके रूम लिए, तो ये छोटा सा रूम, तो देवेंद्र में हंसो है, प्रीति सोए हैं, राम यहाँ सोएंगे। तो हम लोग सामान जैसे देख सकते हैं बस बिखर गया, ये कॉस्ट जो है लगभग 1200 अगर आसपास पड़ा, ठीक है तो 1200 पड़ा है। तो हम लोग यहाँ सीधा कल सुबह निकलेंगे श्रीनगर के लिए, ठीक है श्रीनगर के लिए। तो इस वीडियो को आप लोगों को लद्दाख सीरीज कैसा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आदमी नहाए नहीं है, इसलिए नीचे सोया है, हम लोग नहाए हुए हैं। इसमें वो क्या है देवांजन वगैरह, ज्यादा तबियत खराब लग रहा था ज्यादा, फिर भी अभी आके नहा लिए अभी आके तुरंत नहा लिए, सो ठंड पानी से, गर्म पानी से नहीं, ठंड पानी से नहा लिए अभी, क्या सही बोलेगे ना, ठंड पानी से अभी आके नहा लिए, मुंह धोया खाली नहीं एक बोलते एक मग से नहा लिए, हमको अब शंका लग रहा है एक मग से नहा कोई नहाता है क्या, हम तो कल ठंडा पानी से ले में नहाया तो हालत खराब हो गया मुझे। तो ले लद्दाख का सीरीज हम लोग का यही खत्म होता, अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग श्रीनगर कल घूमेंगे, कल श्रीनगर तो घूम नहीं पाएंगे, कल श्रीनगर पहुंचेंगे, तो परसों हम लोग डल लेक बोटिंग करेंगे और शॉपिंग वगैरह करेंगे, तब वहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट जमशेदपुर के लिए। तो हो सकता है लखनऊ स्टे, हो सकता है दिल्ली स्टे, हो सकता है उससे भी आगे जा सके। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल डे 8 के साथ। तो गुड बाय टाटा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, ठीक है बाय।